बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू और इसके विधायक हैं गोपाल मंडल, जो अक्सर अपनी हरकतों और बयानबाजियों से सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो चर्चा में आ गए हैं। गोपाल मंडल भागलपुर के एक अस्पताल में हाथ में पिस्टल लेकर घूमते दिखे। बताया जा रहा है कि गोपालपुर विधायक और सचेतक गोपाल मंडल अपने किसी परिचित मरीज को देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज पहुंचे थे और यहां वो अपने हाथ में लाइसेंसी पिस्टल लेकर चल रहे थे। विधायक ने अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाकर अपने परिचित मरीज से मुलाकात की। इसके बाद वो अपने सुरक्षा गार्ड के साथ हाथ में पिस्टल लेकर वापस चले गए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अस्पताल में पिस्टल लेकर घूमने पर गोपाल मंडल ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनके बहुत से राजनीतिक दुश्मन हैं, तो इसलिए वो हथियार लेकर चल रहे थे। विधायक ने कहा कि उनके पास पिस्टल का लाइसेंस है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि गोपाल मंडल के साथ हमेशा सुरक्षा कर्मी रहते हैं। वायरल वीडियो में भी हथियार के साथ सुरक्षा कर्मी मौजूद है, फिर एक विधायक को इस तरह खुलेआम हाथ में पिस्टल लेकर घूमने की जरूरत क्यों पड़ गई? और अगर जान का खतरा हो भी तो इसके लिए खुद हाथ में पिस्टल लेकर अस्पताल पहुंचकर गोपाल मंडल आखिर क्या साबित करना चाहते थे? वैसे ये पहली बार नहीं है जब गोपाल मंडल ने कुछ विवादित किया या कहा हो। कुछ वक्त पहले वो पटना से दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में चड्डी बनियान में घूमते नजर आए थे। तब उनके एक सहयात्री ने इस पर सवाल उठाया था तो गोपाल मंडल मारपीट पर उतारू हो गए थे और जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। इसके बाद पीड़ित प्रहलाद पासवान ने, जो जहानाबाद के उलासपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, नई दिल्ली के जीआरपी थाने में विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इतना ही नहीं, नवगछिया में जेडीयू की ओर से आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में भाषण देते हुए गोपाल मंडल ने कहा था कि हमारी पार्टी के लोग दब जाते हैं तब बीजेपी वाले हल्ला गुल्ला करते हैं। नीतीश कुमार का विरोध कोई मेरे सामने करता नहीं है, कोई करेगा तो गर्दन उतार देंगे। गोपाल मंडल अपने डांस शौक के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार उनके डांस के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। गोपाल मंडल बार बालाओं के साथ भी ठुमके लगाते नजर आ चुके हैं, यानी विवादों से गोपाल मंडल का पुराना नाता रहा है, तो अस्पताल में पिस्टल लेकर चलना उनके लिए शायद नई या बड़ी बात ना हो। लेकिन उनके इस कारनामे पर जेडीयू कोई एक्शन लेती है या नहीं, इस पर तो सबकी नजरें टिकी ही रहेंगी।